जैसे कि आप सब जानते हैं, दुनिया आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह ज्यादा आकर्षित हो रही है। इसीलिए यदि आप बिजनेस की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए एलोवेरा फार्मिंग बिजनेस शुरू करना अच्छा रहेगा। मिनरल्स और विटामिन से भरपूर सुपर फूड होने के अलावा ये प्लांट एंटीबायोटिक और एंटी फंगल मेडिसिन के रूप में भी उपयोगी है। बड़े बिजनेसेस यहाँ है और आपको इस बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करने के लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान करना होगा। तो चलिए जानते हैं आज एलोवेरा के कल्टीवेशन प्रोसेस और उसके प्रोडक्शन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। व्हाट इज एलोवेरा? एलोवेरा एक रसीला प्लांट है जो गीली मिट्टी वाले जगह पर पाया जाता है। एलोवेरा गर्म और सूखे क्लाइमेट में आसानी से बढ़ता है और ये अच्छे तरीके से सूखे मिट्टी में बढ़ता है। इसमें मॉइस्चर नहीं होता है और इसके पत्ते मोटे और नुकीले होते हैं। पौधे की ऊंचाई लगभग 24 से 39 इंच है। एलोवेरा एक लोकप्रिय मेडिसिन भी है और इसमें कई औषधियां पाई जाती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन जैसे कई कॉस्मेटिक्स और मेडिसिनल उत्पादों को तैयार करने के लिए इस प्लांट का उपयोग होता है। एलोवेरा कल्टीवेशन। एलोवेरा एक फेमस मेडिसिनल प्लांट है। ये लिलियाक फैमिली से है। ये 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। इसके पत्ते लंबे और मोटे और रसादार भी होते हैं, जो कि नोकीले मोटर जैसे पहिए के साथ होते हैं। पत्तियों के दोनों किनारों पर कांटेदार नोक के साथ साथ कांटे भी होते हैं। पत्तियों के अंदर का पदार्थ जेली की तरह होता है, जो स्वाद में खराब, गंदा और कड़वा होता है। पत्तियों की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि चौड़ाई 3 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। आमतौर पर ये अक्टूबर से जनवरी के दौरान खिलते हैं और लंबे बड़े संख्या में छोटे गुलाबी फूल होते हैं। इसके फ्रूट्स फरवरी से अप्रैल के दौरान खिलते हैं। ये आमतौर पर बीज के माध्यम से उगाया नहीं जाता। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आसान और कन्वीनियंट है। इसके मेडिसिनल प्लांट और आयुर्वेदिक मेडिसिन काफी फेमस हो रही है। लगभग 80 मिलियन अमेरिकन डॉलर का वर्ल्ड बिजनेस अब मौजूद है और 5 सालों के अंदर ये 35 से 40% तक बढ़ने की संभावना है। 65% बाजार पर हावी है, जबकि भारत और चीन के पास 10% की हिस्सेदारी है, जिससे इसके कमर्शियल फार्मिंग द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इरिगेशन एंड इंटरकर्चल। 40 दिनों के बाद इसकी सीडिंग और अर्थिंग की जाती है। सीडिंग के तुरंत बाद फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। मौसम में सूखे के दौरान भी ये अच्छे से खिल जाता है, लेकिन पानी के ज्यादा ठहराव के कारण इसे बहुत परेशानी हो सकती है और ये खराब भी हो सकता है। इसीलिए सिंचाई की तुलना में उचित जल डालना बहुत जरूरी है। दूसरे फार्मिंग की कंपैरिजन में एलोवेरा की खेती में कम देखभाल की जरूरत होती है। एलोवेरा 1 साल लगाने के बाद यह हर साल 3 कटाई के साथ 3 से 5 साल तक पत्तियां दे सकता है। जानवरों द्वारा खाए जाने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि ये स्वाद में कड़वा और तीखा है और इसीलिए भी जानवर आपकी खेती को नष्ट नहीं कर सकते। इसके फार्मिंग से हर साल 1 से 2 लाख की कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है। प्रोडक्शन ऑफ लीव्स। फैक्ट्रीज में एलोवेरा के प्लांट्स को ले जाने के बाद इसके पत्तों को अच्छे से मशीन में डाल के धोया जाता है और साफ किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसे दूसरे प्रोसेस के तरफ लाया जाता है, जहां इसके पत्तों को AGS सेपरेशन टेक्निक से जेल और पत्तों को अलग किया जाता है। इस AGS मशीन की वजह से ही अच्छी तरीके से जेल को पत्तों से अलग किया जाता है। जेल प्रोसेसिंग। जेल के पत्तों से निकालने के बाद उसे स्टेबलाइज किया जाता है और दूसरा कोई भी आकार देने के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद जेल के कलर में चेंजेस आ जाते हैं। वो ट्रांसपेरेंट कलर को छोड़ के ब्राउन कलर का हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एलोवेरा से जुड़ी कुछ खास बातें और उसके कल्टीवेशन और प्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में। और अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।